गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन पहले दो चैप्टर पढ़ चुके हैं कौन से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं कौन से कौन से पीरियोडिक टेबल में अपन ने बात की थी कल केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी और आज अपन किसके बारे में बात करें नेक्स्ट चैप्टर एस एस ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हाइड्रोजन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर पर ध्यान दें और मेनली ये चैप्टर कहाँ से पढ़ें एनसीआर से पढ़ें ये चैप्टर एनसीईआरटी में काफी देर रखा है इसके बारे में पढ़ें पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कहां से आया हुआ है एस ब्लॉक से आया हुआ है द एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइन विद वॉटर मॉलिकुलजारी धातु मृदार्य मृदा धातु नाइट्रेट जिसका जल के अणुओं के साथ क्रिस्टिकल नहीं होता वह देखो जो क्रिस्टलिक करने के लिए अपने को हो क्या होना चाहिए स्मॉल साइज होनी चाहिए मेटल की अगर साइज बढ़ती जाएगी तो क्रिस्टलीकरण नेचर क्या होती जाएगी घटती जाएगी अपन अगर इनमें साइज देखें एम जी कैल्शियम स्टोनशियम एंड बेरियम ये साइज का ऑर्डर अगर इनमें देखें तो सबसे स्मॉल साइज किसकी है मैग्नीशियम के टॉप टू तो बॉटम जाते हैं अपन तो साइज इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं साइज इंक्रीज तो किस्टे, लाइज नेचर क्या होगी डिक्रीज होगी तो किसका क्रिस्टलीकरण पॉसिबल नहीं है बी एनओ थ्री का होल्ड एनओ थ्री का ट्वाइस का पॉसिबल नहीं है तो अपना आंसर आ गया फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन से कौन से होते हैं ये अपने को याद रखने लायक बात है प्रोटियम न्यूट्रियम एंड तो आंसर आ जाएगा थर्ड ये एनसीआर में साफ साफ दे रखा है तो एनसीआर दोनों चैप्टर ही हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों चैप्टर ही आप NCRT से पढ़ें अच्छे चैप्टर दे रखे हैं उसमें देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी संक्रमण धातु संकुलों में सर्वाधिक परिकल प्रक्रम मात्र चुंबकीय आगुण होगा द हाइस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज अपन ने देखा मैक्सिममेड इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकते हैं एम एन प्लस टू में एम एन प्लस टू में स्टेबल देखें तो एम एन प्लस टू में मैक्म अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फाइव होंगे कितने होंगे फाइव अगर म्यू एम की वैल्यू अपन काउंट करते हैं किसे एन एन प्लस टू से काउंट करते हैं तो यहां म्यू एम की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी म्यू एम की वैल्यू 5.92 मिलेगी अगर 5 रखेंगे तो तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली वर्षा के पानी की पीएच लगभग होती है ये अपने याद रखने वाला लायक है हल्की एसिडिक होती है करीब करीब 5.6 के आसपास होती है ये एनसीआर में डाटा दे रखे हैं आप उनको पढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट दैट तत्व है अगर वो पूछता न्यूनतम एन्थैल्पी रखने वाला, तत्व है।, कनन रखने वाला तत्व है तो आंसर अपना आता जिंक परंतु उसने किसकी बात की है संक्रमण तत्व की बात की है। ट्रांजिशन मेटल की बात करिए जिंक क्या नहीं है जिंक कैडमियम मरकरी जिंक कैडमियम मरकरी।, मरकरी को अपन क्या नहीं बोलते ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं जिनका एन और एन माइनस वन शेल किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में फुलफिल्ड ना हो है ना तो इनको अपन क्या नहीं बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे ये संक्रमण तत्व नहीं है इसलिए इसके बाद भी सेकंड कौन आता है कॉपर आता है तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड सबसे कम

नाइट्रेट नाइट्रेट की पीपीएम कितनी हो जाए 50 से ज्यादा हो जाए डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट तो इसका डाटा याद रखना ये एनसीआरटी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन पीने की अस्थाई कठोरता का कारण है एस ब्लॉक का क्वेश्चन है अपने को पता है कि बाइकार्बोनेट है उसके कारण क्या होती है अस्थाई कठोरता होती है बाइकार्बोनेट में कहा दे रखा है अपने पास कैल्शियम बाई दे रखा है तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये एस ब्लॉक ये भी क्वेश्चन एस ब्लॉक का है वह धातु जो हवा की एन टू से सीधे अभिक्रिया कर नाइट्राइड नाइट्राइड बनाता है फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में अपने पढ़ा हुआ एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल ओनली कौन ओनली लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है बाकी फर्स्ट ग्रुप में कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन से सीधे रिएक्शन नहीं करता क्या करेगा एल आई प्लस एन टू क्या बन जाएगा एल आई थ्री एन बन जाएगा क्या बन जाएगा लिथियम नाइट्राइड अगर मैंने पहले बताया था तुम्हें, जितने भी नाइट्राइड है उनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो लास्ट प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा एल आई ओ एच प्लस एन एस थ्री का फॉर्मेशन होगा क्या होगा एनएस थ्री का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट देखते हैं अपन

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन द मेटल यूज फॉर द मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडो इज़ एक्स की किरण नली के वातायन को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अपन देखेंगे इसमें ये याद रखने लायक क्वेश्चन है बेरिलियम का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है बेरिलियम का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल संख्या तथा उनमें रेडियोधर्मी radio समस्थानिकों की संख्या क्रमश हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ द पढ़ा था कितने है अपने पास तीन आइसोटॉप है उनमें से एक जो होता है वो कैसा होता है रेडियो एक्टिव होता है ड्यूटो सॉरी जो एक होता है वो कैसा होता है रेडियो एक्टिव होता है तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा टीटीएम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है अपने पास तो अपना रेडियो एक्टिव कितना हो गया एक। और टोटल आइसोटोप्स कितने हो गए तीन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तत्वों तो के लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथेनाइड संकुचन सामान्यतः दर्शाता है द इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन द लैंथेनाइड सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स बाय एंड लार्ज मींस देखो लेंथ एनड कॉन्ट्रेक्शन देखें टाइटेनियम जर्कोनियम एंड हाफनियम इन दोनों की साइज अपने को कैसी मिलती है ऑलमोस्ट सेम मिलती है ऑलमोस्ट सेम साइज मिलती है चाहे तो इन्हीं एलिमेंट की हो चाहे क्या हो इनके आयन की हो क्या होता है हाफनियम की साइज डिक्रीज हो जाती है किसके कारण लेंथ एनड एंड कॉन्ट्रेक्शन कारण चाहे इसका आयन हो चाहे ये एलिमेंट हो दोनों की साइज क्या मिलेगी अपने को कम मिलेगी तो ये क्या कह रहा है डिक्रीज इन एटोमिक रेडियस एंड इंक्रीज़ इन एटोमिक आइनिक रेडियस नो इंक्रीज़ इन बोथ एटोमिक रेडियस एंड आइनिक नहीं इंक्रीज इन एटोमिक रेडियस डिक्रीज़ इन आइनिक रेडियस नहीं बोथ एटोमिक एंड आइनिक रेडियस दोनों ही किसके कारण हाफने दोनों ही रेडियस क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो गिलास ए तथा बी में भरे हुए पानी के बीओ बी बीओ डी का मान क्रमशः दस तथा बीस है सही कथन को पहचानिए वाटर फिल्ड इन टू ए एंड बी है वैल्यू ऑफ टेन एंड ट्वेंटी रिस्पेक्टली द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसी भी वाटर का बी ओडी जितना ज्यादा होगा उसकी प्रदूषण मात्रा उतनी ज्यादा होगी तो बीओडी किसका ज्यादा है बी का बीओडी ज्यादा किससे ए से तो बी में पॉल्यूशन ज्यादा होगा किसकी तुलना में ए की तुलना में तो अपने पास देखें ए बी की तुलना में ज्यादा प्रदूषित है नहीं ए पीने के लिए उपयुक्त है जबकि बी नहीं नहीं दोनों ही पॉल्यूश हैं दोनों में दस आ, दस काफी ज्यादा बीओडी होती है ए तथा बी दोनों ही पीने के लिए उपयुक्त है नहीं बी ए की तुलना में ज्यादा प्रदूषित है बिल्कुल सही बात है आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन समताप मंडल में ओजोन परतों के अक्ष में जो विक्रिया नहीं है सम्मिलित होती है वह है यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन है यहां एरो का साइन है ये रिएक्शन ये है सी एच फोर प्लस टू ओ थ्री सी एच टू ये रिएक्शन सिंपल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन दिखाया गया है जो पॉसिबल नहीं है जो समताप मंडल में ओजोन परतों के में अक्षय होता है उसमें सभी की सभी रिएक्शन कैसी होती है मुक्त मूल्य का बिक्र फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो ये कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ये यहाँ पर फ्री रेडिकल अपने को दिखाए गए हैं दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं यहां भी अपने को फ्री रेडिकल दिखाए गए हैं और ये रिएक्शन कौन सी हो रही हैं ये फ्री रेडिकल या मुक्त मूल्य का बिक्रह हो रही हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन या मुक्त मुक्तमूल रिएक्शन और ये तो यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं सोडियम मेटल ऑन ऑनोल इन लिक्विड अमोनिया गिव ए डीप ब्लू सोलूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दर अमोनिया में सोडियम धातु को विलयत करने पर एक गहरे नीले रंग का विलयन देता है इसका कारण है उसमें अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है किसका निर्माण हो जाता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है जैसे कोई मेटल है इसमें मैंने X प्लस वाई ध्रो अमोनिया मिलाई ध्रो अमोनिया मिलाई तो अपने पास क्या मिलता है एम प्लस एनएस थ्री मिलते हैं अमोनिकृत मेटल मिलती है और साथ में क्या मिलते हैं अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन ये एक्स ले लूं, ये वाई ये अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलियन कैसा होता है विद्युत का चालक होगा होता है गहरे नीले रंग का होता है अपचायक होता है सभी कैरेक्टर किसके कारण होते हैं इस सॉरी अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं इसलिए विलियन का कैसा रंग गहरे नीले रंग किसके कारण होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन का बनने के कारण होता है तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अम्, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीट की पर मैग्नेट के, के साथ अभिक्रिया में सीओ के एक अणु को बनाने में नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एक रिएक्शन है उसको ध्यान रखें आप इसमें एक सीओ को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूरत होगी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत अपने को होती है नेक्स्ट देखते हैं अपन परोक्सी नाइट्रेट एक नेत्र उत्तेजक निम्नलिखित में किस किसमें उत्पन्न होता है प्रोक्सीटाइल नाइट्रेट एज एन आई इरिटेट इन प्रोड्यूस बाय फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक आप लोग देखते हो कि सर्दियों में कई बार फोटोकेमिकल स्मोक बनता है जिसके कारण आंखों में जलन सी होती है अपने तो उसके कारण क्या वो किसके कारण होता है फोटोकेमिकल स्मोक के कारण होता है तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ ये भी किसका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन पूछे गए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से तो एनसीआर टी को एक बार पढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NH इज एन example ऑफ NH. इस पर प्लस और इस पर माइनस ये एक लवन की तरह काम करता है जो फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं वो लवन हाइड्राइड कहलाते हैं सिलेन हाइड्राइड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सिलेन हाइड्राइड तो अपना आ जाएगा फर्स्ट सॉरी आंसर आ जाएगा सेकंड। एस ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ठंडे जल में गुलित ऑक्सीजन की सांद्रता की ऊपरी सीमा हो सकती है मैक्सिमम कितनी ठंडे जल में ऑक्सीजन घुली हुई हो सकती है उसकी ऊपरी सीमा है टेन डाटा बेस क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य रूप से परिवर्तनशील परिवर्तनीय ऑक्सीजन अवस्था नहीं प्रदर्शित करने वाला तत्व है द एलिमेंट दैट यूजली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री सीरीज में थ्री सीरीज में स्कैंडियम एंड जिंक स्कैंडियम ओनली प्लस थ्री एंड सॉरी स्कैंडियम ओनली प्लस थ्री एंड जिंक ओनली प्लस टू ऑक्सीन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं थ्री सीरीज में बाकी सारे के सारे एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं किसको छोड़कर स्कैंडियम एंड जिंक ऑप्शन में स्कैंडियम सॉरी जिंक है नहीं तो आंसर आ जाएगा अपना स्कैंडियम आ जाएगा बाकी सारे के सारे जैसे कॉपर है कॉपर प्लस वन भी रिप्रेजेंट करता है एंड कॉपर प्लस टू भी रिप्रेजेंट करता है एक्वस मीडियम में मोर स्टेबल और ये किसमें है गैस स्टेज में कॉपर प्लस वन स्टेज, स्टेबल होता है स्टेज में जबकि कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल किसमें होता है एक्वा स्टेज में क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो अपना आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन हवा में किस उच्च सांद्रता फूल की कलियों में सख्तपन ला जाती है द हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लॉवर बर्ड्स ये आपको याद रखना है कौन सा एसओ टू क्या करता है सख्त पन ला किसमें फूल की कलियों में इसलिए क्या होना चाहिए एसओ टू की वैल्यू कम होनी चाहिए हवा में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कह रहा है एक ही रिएक्शन के और ओटू से कराई तो टू बी प्लस टू एस टू बन जाता है एक ही रिएक्शन अपन किससे कराएं एक ही रिएक्शन अपन किससे कराएं कि अपने को क्या मिल जाए बी मिल जाए और ग्रीन कलर का होता है एक ही रिएक्शन ये रिएक्शन होगी MnO2 की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं KOH O2 से कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा K2 K2 MnO4 टू प्लस एच मिलता है ये कैसे कलर का मिलता है अपने को ग्रीन कलर का मिलता है इस K2 टू सेकेंड रिएक्शन में अपन बात करें K2 MnO4 K2 MnO4 की रिएक्शन में किससे कराऊं एच सी एल से कराऊ एसिडिक मीडियम में किसमें एसिडिक मीडियम में, में अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है किसमें किस प्लस एम एन ओ टू प्लस एच टू ओ तो अपने पास ए ये हो गया बी ये हो गया एंड सी ये हो गया सी की रिएक्शन के एम एन ओ फोर पर्पल कलर का होता है इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएं एच टू प्लस के आई से कराएं करा तो अपने को क्या मिल जाएगा A वापस मिल जाएगा A क्या है अपने पास एम एन ओ टू प्लस के ओ एच प्लस डी मिलती है डी क्या मिलेगी अपने को के आई ओ थ्री मिलेगा क्या मिलेगा के आई ओ थ्री तो ये पूछ रहे ए D है ए D है तो ये क्या हो गया अपने पास डी तो अपने पास देखिए ए क्या हो गया एम एन ओ टू एंड डी क्या हो गया के आई ओ थ्री हो गया क्या हो गया के आई ओ थ्री तो अपना आंसर आ जाएगा एम एन ओ टू एंड के आई ओ थ्री रिएक्शन देख लीजिए ऐसे में दे रखी एम एन ओ टू की रिएक्शन केवच ऑटो से अगर आई तो पहला क्या बनता है के टू एम बनता है ग्रीन कलर का होता है इसके टू एम की रिएक्शन एस से एसिडिक मीडियम में कराते हैं के एम से क्या बन जाता है पर्पल कलर का होता है इसके एम एन ओ की रिएक्शन अपन के आई से कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन कर देता है के एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा तो ये आई का ऑक्सीडेशन करके किस में बदल जाता है पोटेशियम आयोडेट पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट अपन देखते हैं ताजमहल इज बींग स्लोली डिसकलर्ड दिस इज प्राइमरी ड्यू टू ताजमहल धीरे धीरे विरूप तथा बेरिंग होता जा रहा है यह मुख्य रूप से इस कारण से आपने सुना होगा ताजमहल धीरे धीरे पीले कलर का येलोइ होता जा रहा है व्हाइट जो मार्बल था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेकार होता जाता है क्योंकि देखो मार्बल है उसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है उस पर अपन एसिडिक एसिड डालते हैं चाहे कोई भी एसिड डाल दो अपन एसिडिक एसिड डालेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी मार्बल की किसमें चेंज होता है और सीओ टू बाहर निकल जाती है सेम टू सेम ऐसे ही CaSO4 एसओ फोर प्लस सीओ टू बन जाता है क्या बन जाता है सीओ टू तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई स्ट्रक्चर चेंज तो किसके कारण हुई एसिडिक रेन के कारण अम्ल वर्षा के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलिकल दैट हैज मिनिमम नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक अपने एटमोसफेयर में जो नॉर्मल गैसें पाई जाती हैं जैसे ओ है एन है इनका फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में कोई हत नहीं है कोई इंटरफेयर नहीं है तो एन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में कोई भी भूमिका निभाती नहीं है तो अपने पास आ गया एन जो फोटोकेमिकल ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं एन में दे रखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या है वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा को बनाने के प्रोसेस को अपन पढ़ चुके हैं क्या बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं MG, आ गया। बाई कार्बोनेट जो होता है टेम्परे हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है एनएच एन को फॉर्मेशन के लिए अपन कास्टनर कैलेनर प्रोसेस लेते हैं क्या लेते हैं कास्टनर कैलेनर प्रोसेस ये कैलोगन है इसका ये सोड़, पौट, पौट, सोड़, नहीं सॉरी सीमेंट में पाया जाता है ये घटक है पोर्टलैंड सीमेंट का तो देखते हैं अपन फर्स्ट का सी फर्स्ट का सी दो में दे रखा है सेकंड का डी सेकंड का डी एक में दे रखा है तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देखते ही अपने को पता लग गया कि आंसर कौन सा आ जाएगा कि पहला वॉशिंग सोडा सोल्वे प्रोसेस बाईकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस एन्यूएच कास्टनर कैलेनर सेल सी एल टू सिक्स सीमेंट का घटक है तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू एंड ओ टू एमॉन्ग दर प्रोडक्ट द मेटल धातु वायु के अधिक्य में धन होने पर एक्स बनाती है एक्स जल के साथ अभिक्रिया करके अब घटित होगा एच टू ओ टू एंड ओ टू एच टू ओ टू एंड ओ टू दोनों बनाती है मतलब वो क्या हुआ है अगर कोई ऑक्साइड है तो उसका एचओ एच कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है अगर कोई परऑक्साइड है अगर कोई परऑक्साइड है और उसका एचओ एच कराते हैं तो क्या बनेगा अपने पास मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनेगा अगर कोई सुपर ऑक्साइड है प्लस एचओ एच तो क्या बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू ओ टू प्लस ओ टू तो ये कह रहा है मेटल मिल रहा है क्या साइड प्रोडक्ट अपने को एच टू ओ टू और टू मिल रहा है अगले दे रखा है तो मतलब क्या है वो क्या बनाएगा क्या सुपर ऑक्साइड बनाने वाला होना चाहिए सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता लिथियम नहीं बनाता फर्स्ट ग्रुप में या पूरी पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम ये तीनों ही सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं कोई भी का फॉर्मेशन नहीं करता तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा सेकंड तो ऑक्साइड एचओ एच कराएंगे तो क्या बनेगा मेटल का एच का एच कराएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू ओ टू सुपर ऑक्साइड का मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एच प्लस ओ का फॉर्मेशन होता है so, और सुपरऑक्साइड कौन कौन बनाता है सिर्फ और सिर्फ रुबेडियम एंड सीजियम फॉर्मेशन करते हैं और कोई भी सुपरऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर पीपीएम एंड एटीन पीपीएम बीओडी वाले जल के नमूने क्रमशः होंगे वाटर सैंपल विद बीओडी वैल्यू ऑफ फोर पीपीएम एंड एटीन पीपीएम आर फोर ppm वाला वोटर होगा वो पीने लायक वोटर होता है क्लीन वॉटर होता है जबकि एटीन pp, ppm पी जिस बी होगा वो पॉल्यूशन वाला होगा प्रदूषित होगा तो अपन बोल सकते हैं फोर वाला तो स्वच्छ क्लीन वाटर एंड हाईली पोल्यूटेड अत्यधिक प्रदूषित होगा तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा ये भी एन से डाटा दिए गए हैं एन में देखिए डाटाबेस क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दापर ओजोन लेअर प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन रेडिएशन दैट फॉल इन देंथ रिजन ऑफ ऊपरी जिसमें उपस्थित ओजोन पर्थ हमें सूर्य के विकर्ण से बचाती है उसका तरंग्रे ये याद रखने लायक क्वेश्चन है कि उसकी तरंग देद्रे देद्रे दो सौ से 315 नैनोमीटर के आसपास होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाटा क्वेश्चन था प्रकाश रासायनिक धूम कुआ को जो सामान्य घटक नहीं है वह है ये भी डाटाबेस डाटा बेस क्या मतलब याद रखने लायक क्वेश्चन है सी एफ टू सी एल टू सी एफ सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं वो सदुंग घटक नहीं है ये तो सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉयड करते हैं तो अपन बोल सकते हैं आंसर आ जाएगा अपना थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में सी एफ एस सी द्वारा ओजोन का विनाश होता है बिल्कुल सही बात है ने अभी बात कही कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन पर छिद्रों से पृथ्वी पर पहुंचने वाली अल्ट्रावाट के विकरणों की मात्रा बढ़ती है बिल्कुल सही बात है जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है परंतु ये इसका रीजन नहीं है इसका रीजन नहीं है इसका रीजन कौन है अल्ट्रावायलेट रेज सी एफ एस सी अल्ट्रावाट रेज को पहुंचाने में काम नहीं करती ये तो छिद्रों को बनाती है है ना दो बातें तो दोनों सही है पर ये इसका रीजन नहीं है तो अपन ऐसा ऑप्शन देखते हैं कथन तथा कारण सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है तो आंसर आ जाएगा अपने पास सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अम्लीय माध्यम में FeC2O4 Fe2C2O4 का होल थ्राइस FeSO4 तथा ये प्रत्येक एक मोल मिश्रण को उप, अपचयित उपचयित करने के लिए आवश्यक KMnO4 के मोलों की संख्या होगी पहले तो अपन देखते हैं KMnO4 अम्लीय माध्यम में किसमें एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम लें एसिडिक मीडियम लें एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज किस होता है अम्लीय माध्यम में एम एन प्लस टू में चेंज होता है किसमें होता है एम एन प्लस टू में एसिडिक मीडियम में एम एन प्लस टू में चेंज होता है तो यहां पर प्लस सेवन में एक में मूव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसने पांच इलेक्ट्रॉन रिमूव किए पांच इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं पांच इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं अपन देखते हैं यहां एफ एफ सी टू ओ फोर के लिए देखें एफ टू सी टू ओ फोर का होल थ्राइस एफ एसओ फोर एफ टू एसओ फोर का होल थ्राइस यहां पर ये प्लस टू में यहां भी ये प्लस थ्री में यहां प्लस टू में और यहां प्लस थ्री में टोटल के इसको पूरे जीरो में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तीन दो पांच आठ एंड दस टेन इलेक्ट्रॉन चाहिए इन सभी को अपचयित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टेन इलेक्ट्रॉन चाहिए एक के एम एन ओ फोर कितने दे रहा है

चादर तो आयनों के जलयोजन एंथैल्पी का सही क्रम है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्केमेटल हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है q/r q तो सेम है क्योंकि एक ग्रुप है q सेम है तो किस पर डिपेंड करेगा ये r पर एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एक ग्रुप पर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है इंक्रीज होती है साइज इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसके क्या होगा उसकी साइज भी वाटर हाइड्रेट हाइड्रेटेड आयन की साइज कैसी होगी कम इसके लिए याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं पानी में छोटा मोटा तथा मोटा मोटा छोटा हो जाता है पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है मतलब जिसकी साइज स्मॉल थी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा था उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो सबसे छोटा कौन था लिथियम होता है गैसी स्टेज में तो उसकी वोटर में साइज कैसी हो जाएगी बड़ी फिर सोडियम पोटेशियम सीजियम तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा तो ये याद रखने जो वोटर गैसे स्टेज में स्मॉल है वो वोटर में कैसा हो जाएगा लार्ज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द आयन दैट वुड शो कलर जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास मिल सकते हैं वो कलरफुल अपने को दिखाई दे सकता है ऐसा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास हो जाएगा फर्स्ट तो अपने पास एस एम प्लस थ्री में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने को कलरफुल दिखाई देगा मनिष्ठा के मुनिष्ता के नाते हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी जिम्मेदारियों के संदर्भ में क्या गलत है पहला देखते हैं यूजिंग प्लास्टिक बिल्कुल रॉन्ग ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही गलत है कभी भी अपने को क्या नहीं करना चाहिए प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए इससे बहुत नुकसान है तो अपन पहला ही ऑप्शन आ गया कि क्या अब यूजिंग प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट अपन देखते हैं संयोजिक छारीय मृदा धातु तो हैलाइड है, कोवलेंट एल्काइल अर्थ मेटल हैलाइड देखो बेटा बेरिलियम एंड बोरोन के ऑल हैलाइड आर कोवलेंट बेरिलियम एंड बोरोन के सभी हैलाइड हैं वो कैसे होते हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं इनके स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजेशन पावर के कारण परंतु तो इसने पूछा किसके बारे में मृदा धातु है एल्लाइन अर्थ मेटल के लिए पूछा है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होगी गई वाली हो गई तो बैरेलियम के हेलाइड सारे के सारे कैसे होते हैं नेचर के होते हैं हैं तो आंसर आ जाए आ जाएगा जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अंतरकाशी यौगिकों के बारे में जो कथन असत्य है वह है इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दे आर देव मेटलिक कम कंडेक्टिविटी बिल्कुल कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज नहीं होती वैसे की वैसे रहती है दे आर वेरी हार्ड बिल्कुल

नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आंसर आ गया अपने पास सेकेंड आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं पर्यावरण में सीओ टू का अत्यधिक निर्सर्जन का परिणाम है पर्यावरण में अगर सीओ टू अपन देख रहे हैं अभी इन दिनों में सुन रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे वो किसके कारण होता जा रहा है वो सीओ टू की मात्रा बढ़ने के कारण होता जा रहा है इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रीजन क्या है CO2 का बढ़ना है किसका बढ़ना सीओटू का बढ़ना है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता जा जा रहा है बढ़ता पिंगल, पिंगल समुद्र में मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम पाउडर वायु में जलाकर देता है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम वायु में क्या क्या होता है? एक तो होती है और दूसरा क्या होती है एन टू होती है मैग्नीशियम मोटो से रिएक्शन करके क्या बनाएगा MgO बनाएगा जबकि एन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा एमजी का फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल का वह भाग वायुमंडल का वह भाग जहां बादल बनते हैं तथा तो जिसमें हम रहते हैं बादल कहां बनेंगे बादल ट्रोफोस्फियर में बनते हैं में बनते हैं तथा अपन रहते भी कहां पर हैं ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं तो आंसर मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु का फॉर्म निर्माण किया जाता है में Shaprát, किया जाता। ये हल्की होती है और स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु एलोय नेक्स्ट अपन देखते हैं शाएवागे. शाएवागे। स्पिन मात चुंब के आगुण का सही क्रम है अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेस पर है स्कैंडियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्कैंडियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज्यादा होगा तो मैक्सिमम किस में आएगी वेनेडियम प्लस टू में और मिनिमम किसमें आएगी स्कैंडियम प्लस थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु प्रदूषक जो सूर्य के प्रकाश में होता है वो कौन सा होता है अपन देखेंगे वायु प्रदूषक जो सूर्य के प्रकाश में होता है वो है कौन सा ऑक्सीकारक स्मोक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ये याद रखने लायक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एक जलयोजित ठोस एक्स गर्म करने पर प्रारंभ में एक एकल एक जलयोजित यौगिक वाई देता है तीन के ऊपर वाई को गर्म करने पर वह एक निर्जल पाउडर के फॉर्म में जेड मिलता है पाउडर सफेद पाउडर मिलता है वॉशिंग सोडा एनए टू 10H2O थ्री डॉट इसको तीन सौ तिहत्तर के नीचे गर्म करेंगे या नीचे आसपास गर्म करेंगे तो अपने को एन ए टू सीओ थ्री डॉट सी थ्री डॉट एच टू मिलेगा अगर इससे ज्यादा गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा एन ए टू थ्री सोडा एश में बदल जाता है किसमें सोडा ऐश में बदल जाता है किसमें बदल जाएगा सोडा ऐश में तो अपना आंसर आ जाएगा वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यूरिन तथा प्लोटीनियम की उच्चतम संभव ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं की औसतम ऑक्सीजन संभव अवस्थाएं हो सकती है सिक्स एंड सेवन याद रखने का लायक है क्वेश्चन है तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन निम्न कार्बोनेट के तापीय सहायता का सही क्रम है कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी देखें कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती तो है टॉप टू बॉटम जाते हैं इंक्रीज होती है टॉप टू तो बॉटम जाते हैं इंक्रीज टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी तो मैग्नीशियम से अपन बेरियम की ओर जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं अपना फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं याद रखने लायक क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक रासायनिकुआ के लिए उत्तरदायी स्पीसीज का सही क्रम है द करेक्ट सेट ऑफ द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक तो ये याद रखने लायक क्वेश्चन है इसका युग एनो एनओ टू एंड ओजोन जो हैं वो है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए उत्तरदायी हैं आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है 513 पर ए, एक एम एन यौगिक के तापीय गठन से यौगिक वाई एम एन ओटो एक गैसी उत्पाद प्राप्त होता है एन तथा सांद्र एस से एम एन विक्रिया करके एक तीक्षण युक्त गैस जेड देता है एक्स वाई तथा जेड होंगे इसके लिए अपन देखें कि अगर आप को हीट करते हैं किसको केम तो ये क्या बनाता है के एम एन ओ फोर प्लस अगला वो साथ बोल रहा है एम एन ओ टू प्लस ओटो का फॉर्मेशन होता है किसका होता है ओटो का फॉर्मेशन होता है इसने दे रखा है था उत्पाद बनाता है तो फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई अब कह रहा है एन तथा एनएसीएल एच टू एसओ फोर एम एन ओ टू रिएक्शन करके क्या देते हैं एक िक्शन गंध युक्त गैस देते हैं युक्त गैस कौन सी बनेगी अपने पास Cl2 टू बन जाएगी और साथ में एम एन एसओ फोर बन जाएगा क्या बन जाएगा एम एन एसओ फोर तो अपने पास के एम एन Cl2 फोर के टू एम फोर एंड क्या बन जाएगा CL2. तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा फर्स्ट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं द टेंप्रेरी हार्डनेस ऑफ ए वॉटर सैंपल इज ड्यू टू द कंपाउंड एक्स बॉइलिंग दिस सैपल कन्वर्ट एक्स टू कन्वर्ट वाई एक्स एंड रिस्पेक्टली तो बाई कार्बोनेट को अपन हीट करेंगे वैसे अपने को पता है टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है बाई कार्बोनेट के कारण होती है एच सी ओ थ्री के कारण होती है बाई कार्बोनेट को जब भी हीट करोगे तो वो किसमें बदल जाता है कार्बोनेट में बदल जाता है और साथ में सीओ टू एंड एच टू बाहर निकाल जाता है तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनेट दे रखा हो तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट इज लिथियम इज द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही बात है सेकंड लिथियम क्लोराइड जलियन से एल एंड टू एस टू के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है बिल्कुल सही बात है ये क्रिस्टलीगत फॉर्म स्मॉल साइज के कारण इसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्रिस्टलीकृत फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है एल आईसीएल डॉट टू एस टू रहता है कार्बोनेट गर्म करने पर लिथियम नाइट्राइट एनडोटू देता है wrong statement है। तो आंसर आ गया थर्ड क्योंकि नाइट्रेट को अपन गर्म करेंगे हीट करेंगे तो ये क्या देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस एनओ टू गैस ब्राउन कलर की एनओ टू गैस देता है छार धातुओं में लिथियम जल के साथ सबसे कम क्रियाशील है बिल्कुल सही बात है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धूम पैदा करता है कौन सा है जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रदूषित करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कठोरता को हटाने के लिए जियोलाइट प्रक्रम की तुलना में संश्लेषित रेजिन विधि अच्छी है ज्यादा अच्छी है मोट ज्यादा दक्ष है क्योंकि यह धनायन और रणायन दोनों को विनिमय कर सकती है ये अच्छी विधि है किसकी तुलना में जियोलाइट प्रक्रम क्योंकि ये धनायन रणायन दोनों को ही वोटर से रिमूव कर देती है नेक्स्ट देखते हैं अपन अमोंग स्टेटमेंट द करेक्ट वन इज सही कथन है हाइड्रोजन प्रसाइड का विघटन डाई ऑक्सीजन देता है बिल्कुल एच टू ओ टू टूटेगा तो किस में टूटेगा एच टू ओ प्लस ओ टू में टूटता है एन ए ओ टू को जब गर्म करते हैं तो डायऑक्सीजन देता है बिल्कुल सही बात है एन एनओ थ्री को, तो को अपन हीट करेंगे तो ये किससे बनेगा एन ए टू प्लस सॉरी uh, टू देता है एथिल हाइड्रोजन के के निर्माण लिए उपयोग में किया जाता है बिल्कुल सही बात है हाइड्रोजन प्रोक्साइड का उपयोग सोडियम पर बोरेट के उत्पादन में किया जाता है बिल्कुल सही बात है तो ऑप्शन अपने चारों ही सही है डी चारों ऑप्शन आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैसे ए से ई e, में जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, सीओ टू करती है बिल्कुल एच टू की वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट सीओ टू देती है एच टू देती है H2O2 देती है, एंड ओजोन जो भी देती है परंतु ओ टू नहीं देती तो अपना आंसर आ जाएगा ए बी सी ई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब जिप्सम को तीन सौ तिरानवे पर गर्म किया जाता है तो बनता है जिप्सम क्या होता है सी एसओ फोर डॉट टू एच इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है क्या देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं पॉइंट फाइव लिखा हुआ ये पॉइंट फाइव सॉरी ये नहीं ये जो पॉइंट फाइव लिखा हुआ है तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ कितना कौन सा आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं एक धातु ए नाइट्रोजन गैस में गर्म करने पर यौगिक बी देती है बी एच टू से अभिक्रिया करके उपचारित करने पर एक रंगहीन गैस देती है जिसको के अपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराने पर एक गहरे नीले रंग का विलयन देता है कौन सी जो नाइट्रोजन से सीधी रिएक्शन कर लेती है सोडियम नाइट्रोजन से सीधी रिएक्शन नहीं करती सोडियम दो जगह दे रखा है दोनों नहीं आएंगे मैग्नीशियम सीधी नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है एम जी प्लस एन टू तो क्या बन जाता है एम जी थ्री एन टू बन जाएगा इसको मैंने एच ओ एच किया तो क्या बन जाएगा एमजी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एन एस थ्री बन जाता है क्या बन जाता है NS3 थ्री इस एन एस थ्री की विक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है कौन सा सी यू एन एस थ्री का होल फोर SO4 फोर डीप ब्लू कलर का डीप ब्लू कलर का क्या बनता है एक सोल वो बनता है संकुल बनता है क्या बनता है एक संकुल का निर्माण होता है तो क्या क्या बनेगा अपने पास मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है तो सेकेंड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक ए बी सी हैं यदि ए बी सी के न्यूट्रॉनों की संख्या कर्मश देखी जाए तो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम एंड टीट्रियम में देखें इलेक्ट्रॉन देखें प्रोटॉन देखें न्यूट्रॉन देखें इलेक्ट्रॉन वन 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 प्रोटॉन वन 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 न्यूट्रॉन जीरो वन एंड टू तो दोनों का ऐड कितना हो जाएगा थ्री तो आंसर आ जाएगा अपने पास फोर्थ

प्रदूषित हो जाएगा इसलिए बीओडी जितनी ज्यादा होगी वाटर उतना ज्यादा प्रदूषित होगा इसलिए अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमंग द स्टेटमेंट द करेक्ट ऑर्डर वंस आर क्षार धातुओं में लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी सबसे अधिक है बिल्कुल <coughs> सही बात है लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में एवले रॉन्ग स्टेटमेंट है ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट लिथियम क्लोराइड कैसा होता है कोवलेंट कैरेक्टर का होता है इसलिए वो ऑर्गेनिक विलियन सोल्यूशन में क्या होता है सोल्यूबल होता है तो अपना बी रॉन्ग हो गया लिथियम एथाइन से लिथियम अभिक्रिया करके एथेनॉइड्स नहीं बना सकते एथेनॉइड नहीं बना सकते लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं बिल्कुल सही बात है जो लिथियम एंड मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं कैसे करते हैं हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं तो अपन सही बात कहते हैं कि अपना स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया थर्ड सही है नहीं बनते, है, बनते है क्या बनते है? ना, लीथियम से करते हैं इससे क्या टू नाइन एट कैलवीन जल का प्रारूप जिसकी आयनिक चालकता सबसे कम है, में से है जिसमें भी आयंस होंगे जिनमें भी आयंस होंगे उनकी चालकता ज्यादा होगी जिसमें आयन नहीं होंगे उसकी चालकता मिनिमम होगी सिलाइन वाटर में आयंस होते हैं सी वाटर आयंस होते हैं वाटर फॉर फॉर ए कुए का जल बिल्कुल आयनिक होता आयंस होते हैं ये कुछ ना कुछ सॉल्ट उसमें होते हैं डिस्ट्रल्ड वाटर ये न्यूट्रल वाटर होता है न्यूट्रल वाटर मतलब इसकी पीएच एच सात होती है तो इसको अपन कहेंगे डिस्ट्रल वाटर की जो होगी आयनिक चालकता सबसे कम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

तो इसको अपन डन देख लेना इसकी तो आज के लिए इतना ही आज इनऑर्गेनिक का तीसरे पार्ट खत्म हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने को कहां से लगा इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं तो इसके एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में देखें आज के लिए इतना ही थैंक यू